और चार से और चार और से। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो अभी सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं स्कूल के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका हूँ। और ये मेरा फ्रेंड मोहित है और आज इसका जन्मदिन है। सो हैप्पी बर्थडे मोहित, ठीक है? स्टे ब्लेस, कीप स्माइलिंग। ये भाई भी यूट्यूबर है, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, पर वो मैं इसमें बताऊंगा नहीं आपको, सब्सक्राइब कर देंगे। हाँ, मैं थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगा, फिर मैं स्कूल की तरफ को चले जाऊँगा। 6 बजे से हमारा स्कूल लग जाता है और टाइम होने वाला है, मतलब बगल ही में स्कूल, तो मुझे तो ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। सर आते हुए दिखेंगे तभी स्कूल की तरफ को चल दूंगा। मैं डेली सुबह कोशिश करता हूँ कि ब्लॉग शूट कर पाऊँ, पर स्कूल के लिए लेट हो जाता हूँ तो उस चक्कर से ब्लॉग शूट नहीं कर पाता हूँ। जाना है मुझे स्कूल, तो अभी मैं जाऊँगा अपने स्कूल फटाफट ब्रेकफास्ट करके और फिर मिलेंगे आपसे स्कूल के बाद। गाइस, अभी अभी हमारे स्कूल की छुट्टी हुई और हम डायरेक्टली, मतलब बट मोहित भाई का आज बर्थडे था तो हम सबके सब आज पिज़्ज़ेरिया में पहुँच गए। मेरे हमारे दो साथी और एक गौरव जोशी, वो भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो भट्ट भाई मोहित भट्ट कैसा लग रहा है अपने जन्मदिन पे? बढ़िया। ये पिज़्ज़ा वगैरह नहीं खाते तो इनके लिए स्पेशल आइसक्रीम वगैरह आई गई है और सुबह से इतनी सारी आइसक्रीम खा चुके हैं जब से यहाँ पे बैठे हैं। इतनी सारी हैं, दो ही तो हैं। इन्होंने बोला हम पिज़्ज़ा नहीं खाते तो हमारे लिए आइसक्रीम मंगाई जाए, इनके लिए आइसक्रीम मंगाई गई, पर फिर इन्होंने बर्थडे हुए पिज़्ज़ा सब निपटा दिए। देखो सिर्फ टेसू पेपर रखे, लस्सी भी लेके आई है और इन्होंने पिज़्ज़ा भी खा लिया। सबसे ज़्यादा महंगा बिल बना के गए हैं मोहित भैया। थैंक यू मोहित भाई फॉर सच अ वंडरफुल ट्रीट, ठीक है? थैंक यू भाई, और भाई को एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे। तो ये तीनों यहाँ कैमरा के लिए पोज कर रहे हैं कि मैं इनकी फ़ोटो ले रहा हूँ, पर मैं फ़िलहाल वीडियो बना रहा हूँ ऐसे ही। अभी मतलब काफ़ी लंबा समय लग गया बर्थडे सेलिब्रेशन में, हम काफ़ी टाइम लग गया था तो काफ़ी लेट पहुँचा हूँ घर। मम्मी ने भी काफ़ी डांटा कि इतनी लेट क्यों आया। बाकी बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत बढ़िया रहा, मैं ज़्यादा व्लॉग कर नहीं पाया वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे या बहुत सारी फैमिलीज़ थी, तो उन लोगों के बीच थोड़ा व्लॉग करने मुझे थोड़ा हिचक हो रहा था और थोड़ा बहुत मतलब उन मेरे को लगा फैमिली वालों को भी डिस्टर्ब होगा, सब अपनी अपनी मतलब हैप्पीनेस बना रहे थे, तो मैंने वहाँ पे ज़्यादा व्लॉग बनाया नहीं। फिर मैं सीधे अभी घर को आ गया और घर पे हो रही है बहुत ज़ोर से बारिश, मौसम हो रहा है काफ़ी। हाँ आ जाओ आ जाओ पंदर मामा, बिल्कुल मस्ती से ऊपर बैठ रखा है वो, फुल मौज ले रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्या उसे भी गर्मी नहीं लग रही होगी? और बारिश तो काफ़ी तेज़ हो रही है। तो मैं जाता हूँ थोड़ा सोने आराम करने, क्योंकि रात में भी मैं पूरी नींद ले नहीं पाया था, मतलब थोड़ा पढ़ाई करने लग गया था तो टाइम लग गया, लेट हो गई पढ़ाई करते करते। तो अभी सो जाते हैं ताकि रात को अच्छे से पढ़ पाएँ, फिर मिलते हैं आपको शाम को लाइब्रेरी के टाइम पर। तो दिन में एक लंबी नींद के बाद अभी 5:30 करीब बज चुके हैं, अब जाके हम उठ के आए हैं, मतलब लाइब्रेरी की तरफ को जा रहे हैं, लाइब्रेरी लग चुकी है, बच्चे बैठ गए हैं तो अब हम चलते हैं वहाँ को। गुड इवनिंग, हेलो, कहाँ देखा मुझे? स्कूल में। चलो चलो, क्या कहाँ पे क्या बना के लाए हो? वाह बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा, और भी बनाया, सब दिखा दो, लाओ सब दिखा दो। वाह वाह वाह, तो बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आपको ड्राइंग बनाना बहुत अच्छा लगता है ना? बहुत बढ़िया, और कुछ करना अच्छा ही नहीं लगता ना आपको? चलो चलो बैठो और बना के लाए टॉकिंग टॉम घर से, जो मोहित ने एक बार पहले बनाया था, जिसका ब्लॉग पहले अपलोड हुआ था। एक बार इससे बोल के दिखाओ कुछ। हेलो, आपका नाम क्या है और तुम क्या खाते हो और तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? बहुत अच्छा बनाया वैसे आपने, बहुत अच्छा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पास एक सुपर टैलेंटेड गर्ल जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मुंह से सीटियां बजाती, बजा के दिखाओ बाबू जितनी आज। और चार से और चार और से और क्रिएट है ना, और दो अंगूठों से ऐसे, दो अंगूठों से और थोड़ा ऐसे करके फैलाओ के करो ना, तब आएगी आवाज। और
और अब नहीं आते। टाटा कह दो, टाटा ऐसे वाले, बांसुरी बजाओ, ऐसे कर रहे टाटा। नहीं अब नहीं आता, नहीं ऐसे वाले करके। भाई साहब कितनी सुपर टैलेंटेड गर है, मतलब इतनी टाइप की इसने सीटियां बजाई मैं तो गिन नहीं पाया। कितनी टाइप की बजाई हुई आपको पता है? नहीं पता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बजाया, ठीक है आपने, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज आपके भाई का जन्मदिन है तो आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है प्रिया? जैसा और बहनों को लगता है। घर पे क्या क्या तैयारी हो रखी है आज? शादी में। अच्छा तो ये जो लड़की है ये पेप्सी को बोल रहा हूँ, पेप्सी एजेंसी की मालकिन है, ठीक है। और आज इनके भाई का जन्मदिन है, छोटे भाई का, मोहित भट्ट का, जो आपने पहले ब्लॉग में देख लिया था। तेरे लिए भी लेके आए हो पिज्जा? ये जो ग्रुप है मोहित भैया लीड कर रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं कि आज क्या एक्टिविटी लेके आए बच्चों के लिए। मोहित 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 क्या एक्टिविटी लेके आए बच्चों के लिए बता दे रहा हूँ। देखो ये एक्टिविटी ऐसी कुछ है ना, देखो आप सब पांच एक टीम में हो, अगर आप घेरे में काम करोगे तो आपको आसानी होगी। अपने सामने ऐसा साफ जगह रख लो, ठीक है, मतलब आप सबको सामने सामने काम करना, ठीक है। मैं देखो यहाँ से, सुनो मैं इस कागज को फाड़ दे रहा हूँ, ठीक है, इस कागज को फाड़ दे रहा हूँ, ऐसी फाड़ रहा हूँ, ठीक है। आपको करना पता है, आपको पर्चा दिख रहा है? ये पर्चा मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, देखने के लिए। अब आपको जो फटा हुआ पर्चा है इसको, इसके जितने फटे हुए पर्चे हैं इसको सबको जोड़ना है। लो करो, टीम वर्क है, जिसने जितने जल्दी कहते हैं वो आम। मैं समझ गया मोहित बच्चों को क्या मतलब समझाना चाह रहे हैं। इतने सारे टुकड़े कर दिए उन्होंने पर्चे के, किसी एक बच्चे के लिए ये तो मुमकिन नहीं है कि उतने सारे जो टुकड़े हो रखे हैं पर्चे के उन सबको मैच कर ले। तो सारे बच्चों को मिलकर काम करना पड़ेगा और इसी प्रक्रिया में बच्चे क्या सीखेंगे, टीम वर्क सीखेंगे। तो समर कितना टाइम लगा आपको ये लिखने में? आधा घंटा लगा। आधा घंटा लाइब्रेरी खोले नहीं हुआ आपको, लग गया लिखते हुए? नहीं, समर भाई ने कम मतलब 5 मिनट भी नहीं लगाए। और ये कॉपी बचा रहे हैं, देखो इधर पे ये देखो 20 का टेबल इन्होंने ऐसे लिख दिया कॉपी को लेके। जगह पीछे है खाली में, पेज बर्बाद। हाँ बहुत सही, बहुत सही, देखो दो पेज है बस। अच्छा 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 अच्छा, और काम भी लेना है घर में जाके। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर पर अनमोल ने भी टीम वर्क वाला जो हमारा गेम जीत गए, जीत गए, कांग्रेट्स। क्या कैसे जीते बताओ, कैसे जीते? हमने बहुत जल्दी जोड़ा। हाँ मतलब टीम में वर्क किया ना तब जाके जीते, इससे क्या समझ आया आपको? हाँ टीम में वर्क करने से काम आसान हो जाता है, होता है ना। तो इधर पर अनमोल ने भी वही वाली एक्टिविटी करानी शुरू कर दी है जो मोहित करा रहा था, पर यहाँ पे ग्रुप छोटे हैं, यहाँ पे दो दो बच्चों की ग्रुप है और इन्होंने छोटे छोटे पेज फाड़ दिए हैं और मतलब आसानी से कर ले रहे हैं लोग। बच्चे को पजल बना के दे दिया है और बच्चे उन्हें सॉल्व कर रहे हैं और बच्चे काफी अच्छे से लगे हैं इस एक्टिविटी में। फिर से बच्चों को स्टंट्स वगैरह या एक्सरसाइज वगैरह सिखाने लग गए हैं, तो ये लोग मुझे दिखा रहे हैं, तो मुझे भी एक स्टंट आता है तो मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। रघु मुझे भी एक स्टंट आता है, कर सकता हूँ? मैं शीर्षासन करके दिखाऊंगा बच्चों को। ये देखिए भैया लोग शीर्षासन कर रहे हैं, रघु भैया गिर गए। देखिए पंकज भैया ने कितनी देर तक कर लिया, रघु भैया अभी स्टार्ट करा है, अभी पहले गिर गए थे। मैंने शीर्षासन करा और पूरे हाथ पैर और सर में दर्द हो रहा है क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन होता है लोअर बॉडी से अपर बॉडी की तरह, मतलब पैर ऊपर हो जाते हैं सर नीचे आ जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन होता है। और सोहन कैसे हो आप, कैसे हो, ठीक हो? तो अभी तो काफ़ी मतलब हाथ काफ़ी दर्द कर रहे हैं क्योंकि हाथ का फोर्स लगता है ना उसमें, सर को ऐसे पकड़ के रखना पड़ता है, बैलेंस बनाने बहुत दिक्कत होती है, हाथ का बहुत ज़्यादा रोल होता है उसमें। टीम वर्क को लेकर एक नई एक्टिविटी है मोहित के पास, शायद वो कागज वाली होगी। तो अब ये दिखा रहे हैं ये कौन सी, इन्होंने रस्सी पकड़ रखी हाथ में, इसको लेकर एक टीम वर्क के लिए कोई एक्टिविटी लाया मोहित, तो एक्टिविटी करा रहा है, तो लेट्स सी कैसी एक्टिविटी है ये। इस लड़की ने मेरे आधे से ज्यादा ब्लॉग खराब कर दिए हैं, मतलब जितनी बार मैं शूट कर रहा हूँ हर बार, एक बार इसने मेरा फोन पटक दिया भाई, यहाँ ईटे में जाके फोन पड़ा। प्रिया भट्ट मेरा फोन टूटेगा, आप लाके दोगे हमें?
ये देखो ये देखो ऐसा हाल कर दिया इसने मेरा। यहाँ पे ब्लॉग शूट ही नहीं करने देती है, देखो मारने लग जाती है। तो मैं अपनी ऑडियंस को तो दिखा रहा हूँ ना यार। तो गाइस अब मेरी बेइज्जती होने वाली है तो मैं यहाँ पे बंद करूंगा। ग्रुप में बस बातें चल रही हैं, वो भी आपस में बातें, मैं आपको दिखाता हूँ। और इसका मेन जो लीडर है वो है ये प्रिया भट्ट, यहाँ की मेन लीडर जो कहाँ गई, इधर आओ। ये प्रिया भट्ट यहाँ की मेन लीडर जो बच्चों को क्या करा रही है, जो बच्चों को वह बातें करना सिखा रही है अपने साथ साथ। गांव की आंटी बनेंगी आंटी। मोहित एक नए गेम के साथ, अब बच्चों के हाथ में एक छोटे छोटे मतलब पत्थर दिए गए हैं और बच्चों को पत्थर वो सामने पड़े दो डस्टबिनों में डालने, एक ये टीम रही एक तरफ और दूसरी तरफ वो टीम रही, जिनमें से जो सबसे ज्यादा डालेगा वो गेम जीतेगा। और मोहित फिलहाल बच्चों को गेम सिखा रहे, तो लेट्स सी कौन जीतता है और कैसे चलता है गेम। प्रिया भट्ट ट्राई कर रही है, अभी तक किसी से नहीं डाला। और प्रिया भी फेल हो गई और अभी तक कोई नहीं कर पाया, और इसके बाद मैं करूंगा मोहित के बाद। ये लो मोहित भी मिस, अब मेरी बारी। जो थोड़ा भाई पंकज जब डाल के दिखाएगा। लोगों ने किसी ने मेरा कैमरा नहीं पकड़ा यहाँ पे, और उस डब्बे में डालने वाला सबसे पहला बंदा बना मैं, जिसने इकलौती गिट्टी उस डब्बे में डाली और किसी बंदे से उसमें नहीं डली। सो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मुझे खुद पर बहुत गर्व है। इनमें से किसी एक से भी नहीं हुआ है, देखो ये जो खुद गेम लेके आए थे मोहित, उनसे भी नहीं हुआ, सिर्फ मैंने डाला है इसमें मैंने। और ये प्रिया भट्ट, इससे तो कुछ होता ही नहीं है, मैं मारने के लिए लगी रहेगी। एक नए ब्लॉग के साथ, अगर आपको हमारे चैनल पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाई लकी को समर को देखना।